Rohan! Rohan, beta! Rohan? रोहन बेटा यहां आओ, मेरे पास आओ बेटा। रोहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन के साथ वो दूसरा लड़का कौन था। मैं तो आपको कब से कह रही थी कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। राजेश, क्या आपको अभी भी लगता है कि पुलिस इसको सॉल्व कर पाएगी? मुझे शायद तुम सही कह रही हो। हमें उस लेडी से मिलना चाहिए जो सुबह हमारे घर आई थी। हाँ। आइए, मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पास आएंगे। आप लोग यहां बैठिए। देखिए, मेरे बेटे के बारे में मुझे बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए मुझे। आपका बेटा आत्माओं की दुनिया में है। क्या? राजेश, क्या बोल रही है? हाँ, मतलब मेरा रोहन ये सच है, आपका बेटा मर चुका है। इसलिए उसकी आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है। रोहन, राजेश क्या बोल रही है? मगर वो दूसरा लड़का कौन है? क्योंकि मैंने घर पे रोहन के साथ एक दूसरे बच्चे को देखा था। आत्माओं की दुनिया से सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए उस घर में भी एक ही बच्चा है, दो नहीं। बच्चा वो मुझसे कहना क्या चाहता है? इतनी क्या कहना चाहता है वो यही है। अगर घर पे है तो छुपे कहाँ हैं?
तुम्हारे घर में अंधेरी अंधेरी जगह है। जहाँ 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 का दरवाजा उत्तर की दिशा की तरफ खुलता है। अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, जाओ। अब देर मत करो, जाओ। वो तुमसे बहुत नाराज है। जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। चलो। अंजू, जिस जगह की वो बात कर रही थी उससे तो ये लग रहा है कि वो जगह हमारे घर की बेसमेंट ही है। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजू, रोहन तुमसे इतना नाराज क्यों है? मेरा बच्चा मुझसे नाराज है, पर वो रोहन नहीं है। क्या कह रही हो अंजू? मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को और छुपाने देगा। क्या छुपाया है? राजेश, तुमसे पहले मेरी शादी किसी और से हुई थी, और मेरा एक बच्चा भी था। तुम अपना ख्याल रखना, शाम में जल्दी आ जाऊंगा मैं। और बेटा, तू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे आने का वेट कर रही है। चलता हूं। जल्दी आ। हाँ, जल्दी आऊंगा। चलो। मम्मी तुम्हारे लिए कितनी तैयारियां की है। अब ये देखो, छोटे छोटे सॉक्स तुम्हारे छोटे छोटे पैरों के लिए। अब ये भी देखो, ये कपड़े, ओहो क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, ये देखो बैंगल्स। अब मुझे क्या पता तुम लड़की हो या लड़का। चलो जो भी हो, अब जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ, तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। चलो एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। ओहो सॉरी बेटा, एक मिनट। हेलो। हेलो, अंजू बोल रही है? हाँ जी, अंजू बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। रवि! ये लीजिए आपका बच्चा। देखिए, ये 2 months प्रीमैच्योर बेबी है, इसलिए इसकी हालत बहुत नाजुक है। आपको इसका काफी ध्यान रखना होगा। वैसे आपने इसका नाम क्या सोचा है? आकाश। इसका नाम मैं आकाश रखूंगी। मेरा बेटा आकाश, मेरा बेटा। ना 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 ना, मत रो बेटा, मत रो। तेरी माँ है ना तेरे साथ, पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगी मैं। And I promise बेटा, मेरे लिए
तुझसे ज्यादा जरूरी और प्यारी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगी। I promise. I love you, baby. क्योंकि आकाश की डिलीवरी प्रीमैच्योर थी, इसलिए वो एक बहुत ही वीक बच्चा था। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेरा बच्चा झेल नहीं पाया राजेश, और 10 दिन पूरे होने से पहले ही वो अपने डैड की तरह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन राजेश, मैं उसे नहीं भूली, मेरा प्रॉमिस नहीं भूली मैं। उसके हर बर्थडे पे मंदिर जाकर मैं शांति पूजा करवाती, लेकिन रोहन का एग्जाम, तुम्हारा नया नया प्रमोशन, इन सब की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी राजेश, पर मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसे भूल गई। मैं उसे नहीं भूल सकती राजेश, नहीं भूल सकती। जानते हो उसका बर्थडे कब था? उसी दिन था जिस दिन हम दोनों आपके ऑफिस के पार्टी में गए थे, वो भी रोहन को शीला के पास छोड़कर। मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसका बर्थडे भूल गई, मैं उसे भूल गई। मैं मेरे बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? परंजू, तुम्हें मुझे अपने पास्ट और आकाश के बारे में बताना चाहिए था। जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो सकता। I'm sorry, Rajesh. I'm really sorry. It's okay. जो हुआ सो हुआ। अभी पहले हमें रोहन को बचाना है। Let's go. आकाश, ये तुम हो ना बेटा। मैं जानती हूं कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। अंजू, वो इस तरफ भी नहीं है। आकाश, 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 अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पता नहीं मैं तुझे कैसे भूल गई, तेरा बर्थडे कैसे भूल गई। अनजाने में गलती हुई बेटा, बेटा माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। ओ आ आ आ आ